गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 4 द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन के अंदर स्टडी कर रहे थे, और मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था, और लास्ट एक्सरसाइज में आज अपन लास्ट क्वेश्चन है बी, वो सॉल्व आउट करेंगे। बी क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 14 पे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स विथ रेड, आपको कॉमन नाउन को तो रेड से अंडरलाइन करना है। प्रॉपर नाउन विथ ग्रीन, और प्रॉपर नाउन को ग्रीन से अंडरलाइन करना है। कलेक्टिव नाउन विथ ब्लू, और कलेक्टिव नाउन को ब्लू से अंडरलाइन करना है। मेटेरियल नाउन विथ येल्लो, और मेटेरियल नाउन को येल्लो से अंडरलाइन करना है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ ब्राउन कलर, और आपको ब्राउन कलर यूज करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लेस पर। तो स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी इस पैराग्राफ में से थोड़ा बहुत लिख दिया है, और आगे अपन और सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चुटकी, चुटकी क्या है? प्रॉपर नाउन है ना, क्योंकि किसी पर्सन का नेम है ये, तो प्रॉपर नेम है। प्रॉपर नेम की जगह अपन क्या करते हैं, रेड आपको यूज करना। रेड पेंसिल से आप इस पैराग्राफ में यूज अंडरलाइन कर दोगे चुटकी के नीचे, जैसे कि मैं आपको करवाता जाऊंगा ना, इस तरह से आपको अंडरलाइन करते जाना है। आप देखोगे मैंने चुटकी को अंडरलाइन कर दिया रेड से, तो आपको भी बुक के अंदर आपको चुटकी को रेड से अंडरलाइन करना है। उस आपको जिस कलर से मैं करवाऊँ ना, उसी कलर से आपको उस वर्ड को अंडरलाइन करना है इस वाले पैराग्राफ में, पेज नंबर 14 पे। ठीक है, आपको कॉपी करना है मेरे को, और आपको समझना भी है। मिल्क, मिल्क है मेटेरियल है। मेटेरियल नाउन के लिए क्या यूज करेंगे अपन, येल्लो। मैंने येल्लो से अंडरलाइन कर दिया। और आगे है, सॉरी, मिल्क मेड है ना, मिल्क मेड तो कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन के लिए क्या यूज करेंगे अपन, वही रेड यूज करेंगे, वो रेड यूज करेंगे। यहाँ पे वाज गोइंग टू द मार्केट, मार्केट क्या है, नेम ऑफ द प्लेस है। कॉमन नाउन है मार्केट, बहुत सारे होते हैं ना, सबका नाम तो क्या होता है, मार्केट ही होता है, तो ये भी कॉमन नाउन है। कैरिंग अ पेल ऑफ मिल्क, पेल कह रहे मिल्क या दूध का बहुत सारा जरीकन, उसको बोलते हैं, एक बड़ी सी बाकेट होती है ना, उसको बोलते हैं पेल। तो पेल क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के प्लेस पर क्या आएगा, ब्लू। कलेक्टिव नाउन को आपको करना है ब्लू से, तो पेल को करना है अपन ब्लू से कर देंगे अंडरलाइन। ठीक है, आपको पेंसिल से करना है, कलर पेंसिल से ही अंडरलाइन करना है। ऑफ मिल्क, मिल्क क्या है, मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन को येलो से करते हैं अंडरलाइन, तो येलो से करना है आपको अंडरलाइन। हेड, हेड क्या है, कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन को क्या करेंगे अपन, रेड से अंडरलाइन कर देंगे, मैंने रेड से कर दिया। आगे है सी वाज शाई, शाई यानी किसी का इमोशन दिख जाता है ना, शाई यानी शर्मिला है बोध वो, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ओपन करते हैं ब्राउन से, तो यहाँ मेरे पास तो ब्राउन कलर नहीं है, तो मैं तो उसकी जगह पर्पल कलर यूज ले रहा हूँ, तो आपको ब्राउन कलर से यूज करोगे है ना, ब्राउन कलर से आपको शाई के नीचे अंडरलाइन करना है। और आगे है सी स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स अबाउट द मनी, मनी क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के नीचे रेड से अंडरलाइन कर देंगे। शी वुड गेट आफ्टर सेलिंग द मिल्क, मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन को करेंगे येलो से, मैंने येलो से अंडरलाइन कर दिया। इस तरह से आपको यहाँ तक अंडरलाइन कर लेना है, यहाँ तक मैंने आपको अभी तक बोर्ड पे समझा दिया है, और आगे मैं भी और समझाऊंगा।
बाय रेड घाघरा एंड गोल्ड बैंगल्स said to herself I will look beautiful and every girl would be jealous. जे लिखा हुआ यहाँ पे would be jealous of me. अब आप देखोगे इसमें I will buy a red घाघरा. घाघरा क्या है? प्रॉपर नाउन है ने? ऐसे मेटेरियल का नेम लिया गया है जो प्रॉपर घाघरा को घाघरा बोला जाएगा. सॉरी प्रॉपर नहीं, ये कॉमन नेम है. तो कॉमन नेम हर जो घाघरे को घाघरा बोला जाता है, तो इसमें आप करोगे कॉमन नाउन को रेड से अंडरलाइन करोगे. तो आप सभी इसको रेड से अंडरलाइन कर लीजिए. एंड गोल्ड बैंगल्स. गोल्ड क्या है? मेटेरियल है. मेटेरियल नाउन को करते हैं अपन येल्लो से. येलो से कर दिया. बैंगल्स क्या है? बैंगल्स है चूड़ियों को बोलते हैं ना बैंगल्स. तो बैंगल्स कॉमन नेम को किससे करेंगे? रेड से. तो इसको करोगे आप लोग रेड से. आगे है चुटकी. चुटकी को रेड प्रॉपर नाउन है ना. प्रॉपर नाउन किससे करते हैं अपन? ग्रीन से. मैंने चुटकी को कर दिया ग्रीन सेंट लाइन. सेड टू हरसेल्फ आई विल लुक ब्यूटीफुल. एंड ब्यूटीफुल क्या है? इमोशन है. किसी का भाव दिखता है ना इसमें. ब्यूटीफुल है किसी के लिए यूज किया जा रहा है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए अपन करेंगे ब्राउन कलर. आप लोगों को ब्राउन कलर इसमें यूज लेना है. मैंने तो पर्पल से कर दिया, आप ब्राउन से करना है अपना ना. ब्यूटीफुल के नीचे अंदर है. एंड एवरी गर्ल. गर्ल क्या है? प्रॉपर नाउन. सॉरी कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के नीचे रेड से अप्लाई करेंगे. वुड बी जिलस ऑफ मी. जिलस क्या है? इमोशन है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किससे करते हैं? ब्राउन से. मैंने पर्पल से कर दिया, आपको ब्राउन से करना ही है ना. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको ब्राउन से ही कलर करना है. इस तरह से आप लोगों को गोल्ड को करोगे आप येलो से, बैंगल्स को करोगे रेड से, घाघरा को करोगे रेड से, चुटकी को करोगे ग्रीन से, ब्यूटीफुल को करोगे ब्राउन से, गर्ल को करोगे रेड से, जेलस को करोगे ब्राउन से. इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है इन वर्ड्स को. आगे और भी है अपने पास में टेलीग्राफ. बच्चे अपने ग्राफ को आगे अपन सॉल्व करते हैं. अभी
टच माय पेयर ऑफ हेयर पिंस इन माय हेयर like this new sentence start ho raha hai telegraph mein is chutki spoke These words यहाँ पे कोमा भी लगा हुआ है लास्ट में She calls her head big and the tail fell off Spilling the milk on the ground. A crowd of people. यहाँ तक आपका ये पैराग्राफ खत्म हो चुका है और मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ आई विल टच माय पेयर पेयर यूज होता है कलेक्टिव नाउन के लिए कलेक्टिव नाउन को अंडरलाइन करेंगे अपन ब्लू से कर दिया ब्लू से ऑफ हेयरपिंस हेयरपिंस क्या है प्रॉपर नाउन को किससे करेंगे रेड से रेड से अंडरलाइन कर दिया इन माय हेयर हेयर क्या है कॉमन नाउन को किससे करते हैं रेड से लाइक दिस एज चुटकी चुटकी क्या है कॉमन प्रॉपर नाउन है प्रॉपर नाउन को किससे करते हैं अपन ग्रीन से तो चुटकी को करेंगे ग्रीन से स्पोक दिस वर्ड्स शी टॉच हर हेड कॉमन नाउन को किससे करते हैं रेड से करेंगे बैक एंड द पेल फेल ऑफ स्पाइलिंग द मिल्क मिल्क क्या है मेटेरियल है मेटेरियल के लिए आप करते हैं आप क्या यूज सॉरी मेटेरियल नहीं मिल्क क्या है कॉमन नाउन को रेड से करते हैं ऑन द ग्राउंड नेम ऑफ द प्लेस कॉमन नाउन को किससे करेंगे रेड से तो रेड से कर देंगे अ क्राउड कलेक्टिव नाउन किससे करते हैं ब्लू से क्राउड को करेंगे ब्लू सेंट लाइन ऑफ पीपल लाव लाफ यानी हंसना किसी पे इमोशन दिखा रहे हैं ना यहाँ पर लाफ यानी
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किससे करते हैं अपन? ब्राउन से। तो ब्राउन नहीं है अपने पास यहाँ पर, तो मैं कर दूंगा पर्पल से कर रहा हूँ। आपको ब्राउन से करना है। स्टूपिडिटी भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको लास्ट को नहीं करना, ओनली स्टूपिडिटी को करना है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यही है यहाँ पर, है ना। इस तरह से आपको ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीट करना है। और एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ मैं। पैर को करोगे ब्लू से, हेयर पीस को रेड से, हेयर को रेड से, चुटकी को ग्रीन से, हेड को रेड से, मिल्क को रेड से, ग्राउंड को रेड से, क्राउड को ब्लू से, स्टूपिडिटी को ब्राउन से करना। इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है इस पैराग्राफ में। और आपका आज का होमवर्क है, आपको चैप्टर 4 का क्वेश्चन भी बुक के अंदर सोल्व करना है। जो पैराग्राफ लिखा है ना आपको, उनको अंडरलाइन करना है कलर से। जिस तरह से मैंने वर्ड्स को कलर से अंडरलाइन करा है, आपको उसी कलर से अंडरलाइन करना है जिस कलर से मैंने उस वर्ड को किया है। उस वर्ड को आप उसी कलर से अंडरलाइन करोगे, ठीक है बच्चों। यही आपका आज का होमवर्क है। और आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय।